हे hey एवरीवन तो आज हम शेयर करने जा रहे हैं एक बहुत ही टेस्टी हेल्दी नाश्ता जिसे हम बनाएंगे सूजी और आलू से और ये बहुत ही ज़्यादा आसान है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स और इससे हम बनाएंगे सिर्फ़ एक चम्मच तेल से तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो चलिए इसे हम बना लेते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और उसके बाद इसमें हम डालेंगे एक कप सूजी तो एक कप से थोड़ा सा कम है तो एक यहाँ पे एक बाउल में हम डाल देंगे और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे दो बड़े चम्मच इसमें बेसन हम डाल रहे हैं आप चाहे कम या ज़्यादा यहाँ पे कर सकते हैं तो इसमें हम डाल करके अच्छे से फ्रेंड्स आपको मिक्स कर लेना है बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है चम्मच से ताकि जो इस इस तरीके से आपको गुठलिया दिख रहा है ना बेसन का वो अच्छे से आ, मिक्स हो जाए इसमें और फ्रेंड्स आप चाहें तो सिर्फ़ सूजी से ही बना सकते हैं बस बट इसमें मैं डाल हूं, थोड़ा सा बेसन दो चम्मच के करीब मैं यहां पे डाली हूं तो यहां पे अच्छे से मिक्स हो गया है और उसके बाद इसमें हम डाल देंगे एक कप यहां पे पानी हम डाल रहे हैं जितना हम सूजी लिए थे उतना ही आपको यहां पे पानी डालना है तो आपको ज़्यादा पानी नहीं डालना है बस एक कप ही डालना है और गाढ़ा बेटर लगेगा तो हम बाद में देख लेंगे मतलब डालेंगे बाद में पहले एक कप पानी डाल करके अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे तो यहाँ पे अच्छे से आपको मिक्स करने के बाद इसको हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट पे छोड़ेंगे ताकि जो सूजी है ना वो अच्छे से फूल जाए और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया से ये आपको मिक्स कर लेना है ताकि इसमें लंग्स या गुठलियाँ जो भी हो इसमें ना पड़े और आपको यहाँ पे दो से तीन मिनट तक आपको इस तरीके से आपको मिक्स करते रहना है ताकि जो हमारा बेटर है वो अच्छे से आ, मतलब मिक्स हो जाए तो इस तरीके से आपको के, आपकी कंसिस्टेंसी रखनी है तो ये ज़्यादा पतला ना गाढ़ा है अगर बाद में सूजी फूल मतलब फूल जाएगी तो हम थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे तब तक के लिए हम इसको साइड पर रख देंगे उसके बाद यहाँ पे एक बाउल ले लेंगे और दो उबला हुआ आलू मैंने यहाँ पे लिया है मीडियम साइज का अगर आपके पास मतलब बारह आलू है तो आप एक ले सकते हैं तो यहाँ पे आपको मैसर से मैस कर सकते हैं या ग्रेटर से ग्रेट कर सकते हैं तो मैं यहाँ पे मैसर से मैस कर रही हूँ और आपको अच्छे से मैस करना है ताकि इसमें गुठलिया ना रहे और कोई नहीं है बहुत ही अच्छे से आपको मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स और इस तरीके से आपको दबाते हुए मिक्स कर लेना है आप चाहें तो हाथ से भी इस तरीके से तोड़ सकते हैं आलू को बट मैं यहाँ पे मैसर से मैस की हूँ उसके बाद यहाँ पे हम डाल रहे हैं प्याज तो प्याज आपको बारीक से काट करके यहाँ पे ऐड करना है और दो से तीन आ, हरी मिर्च मैं यहाँ पे बारीक काट करके यहाँ पे ऐड की हूँ और थोड़ा सा मैं अदरक ग्रेट करके यहाँ पे डालूँगी इसे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी नाश्ता बनता है फ्रेंड्स और उसके बाद खूब सारा हरा धनिया डाल देंगे बारीक काट करके और मसाले में मैं ऐड कर रही हूँ आधी छोटी चम्मच ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च और आधी छोटी चम्मच यहाँ पर चिली फ्लेक्स यहाँ पर डाल रही हूँ और आधी छोटी चम्मच यहाँ पे रेड चिली पाउडर यहाँ पे ऐड कर रहे हैं अगर आपके पास अगर आप रेड चिली पाउडर नहीं खाना खाना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं और आधी छोटी चम्मच गर्म मसाला और नमक स्वाद अनुसार इसमें हम डाल देंगे तो सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से आपको मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स और मसाले में आपको जो पसंद हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं और मैं बहुत ही कम चीज़ों मतलब बताई हूँ बहुत ही सिंपल सा और आप अगर आपके पास गाजर हो और पत्ता गोभी हो तो वो भी आप यहाँ पर बारीक से काट करके डाल सकते हैं तो नाश्ता हमारा और ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा बट मैं बहुत ही सिंपल तरीका बताई हूँ तो ये फीलिंग बहुत ही अच्छे से बन के रेडी हो गया है मसाला और इसमें हम डाल देंगे तो पहले इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और इसमें हम नमक डाल दिए फ्रेंड्स और ध्यान रहे ज़्यादा आपको नमक इसमें नहीं डालना है जो मैं आलू का मसाला बनाई थी ना उसमें भी मैं नमक ऐड की थी तो इस तरीके से आपको आ, मसाला आपको ले लेना है आलू वाला और इसमें हम डाल देंगे सूजी और बेसन जो मैं मिक्स की थी और उसके बाद सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पे वेटर हमारा थोड़ा गाढ़ा दिख रहा है तो थोड़ा सा हम पानी इसमें ऐड करेंगे बट पहले ही पहले हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे इस तरीके से आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है फ्रेंड्स तो ये देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मिक्स हो गया है और उसके बाद हम हल्दी डालना भूल गए थे तो थोड़ा सा हम हल्दी डाल देंगे कलर के लिए अगर आपके आपको पसंद हो तो डालिएगा नहीं तो स्किप कर सकते हैं बट मैं सिर्फ कलर के लिए ऐड की हूँ इसमें तो इस तरीके से आपको आ, मतलब वेटर का वेटर को अच्छे से मिक्स कर लेना है और आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं इस तरीके से आपको रखनी है तो चलिए गैस की तरफ चलते हैं तो यहाँ पे एक ले लिए हैं और थोड़ा सा राई और करी पत्ता इसमें थोड़ा सा डाल दिए हैं और थोड़ा थोड़ा ऐसे करछिल से हम आ, मतलब डाल देंगे और राउंड सेप इस तरीके से आप करना है आपको ज़्यादा फैलाना नहीं है तो जितना पैन में आए उतना आप बना सकते हैं नाश्ते को तो मैं तीन ही मेरे पैन में आया है तो और उसके बाद एक से दो मिनट के लिए हम ढक देंगे तो दो मिनट हो गया है उसके बाद हम इसको पलटेंगे थोड़ा सा ऊपर ऑयल लगा लेंगे ताकि जब हम पलटें तो इसे पैन में चिपके नहीं और बहुत ही आसानी से ये चिप, आ, मतलब आ, पलटा जाता है तो इस तरीके से आपको प, आ, पलट लेना है और आपको यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे आपको इसको सेकना है और फ्रेंड्स बहुत ही कम ऑयल में ये बनके रेडी होता है नाश्ता बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी ज़्यादा इसमें ऑयल की जरूरत नहीं है बहुत ही कम ऑयल में बनके रेडी होता है तो आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से बनाना आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है ये वाला नाश्ता तो एक एक करके हम निकाल लेंगे और ये बिल्कुल रेडी हो गया है और उसके बाद हम सर्व करेंगे तो यहाँ पर मैं सर्व की हूँ सॉस के साथ साथ आप चाहें हरी चटनी के साथ खा सकते हैं या ऐसे भी खा सकते हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है फ्रेंड्स खाने में और बहुत ही सॉफ्ट बना सॉफ्ट बनता है ये नाश्ता बहुत ही लंबे समय तक ये सॉफ्ट रहता है और मैं आपको यहाँ पे तोड़ के दिखाऊंगी इसका टेक्सचर कितना सॉफ्ट और मुलायम बन के रेडी हुआ है तो इस तरीके से आप ज़रूर मतलब ट्राई कीजिएगा तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ Thanks for watching. Bye bye.